रे हम सदके तुम्हारे। आओ मेरे बच्चों, कैसे हो? क्या हुआ अम्मी जी? इनकार। क्या हुआ खाला? इनकार। वजह? वजह तो उसने बेजी को नहीं बताई, बस कह दिया मर्जी नहीं। बेजी साथ गई थी? नहीं, वो इनकार सुनकर गई थी, इनकार सुनकर आ गए। खाला का दिमाग खराब हो गया। खाला का नहीं, खालू का। वो अपने भाई को लेकर आ गया, उसने आकर इनकार किया। तो फिक्र ना कर मेरा बेटा, शानू तेरी है, तुझे ही मिलेगी। फिक्र किस काफिर को है अम्मी जी, शानू मेरी है और अपनी चीज मैं किसी को नहीं देता। सुन, अभी वहां मत जाना, उसका ताया मुझे धमकी दे रहा था। अभी नहीं जाऊंगा अब्बा जी, अभी हैं 2-4 दिन, अकेले मत जाना। धमकी दी है तो एक बार अकेले जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा तेरे साथ। अरे तो चलना ना डॉक्टर साहब, अगली दफा तुझे साथ लेकर जाऊंगा। आओ मेरा। खाला शानू कहाँ है? कॉलेज पे नहीं आई आज? बुखार था उसको। अच्छा, मैं जरा देख रहा। रहने दे, ना देख। क्यों? चपाकी निकली है उसको, पास बैठेगी तो तुझे भी निकल आएगी। चपाकी निकल आए रातों रात? हाँ, परसों आ जाना, 2 दिन का परहेज है। बुध को मैथ का टेस्ट है, उसे कहना तैयारी कर ले। अच्छा। गुड आफ्टरनून। उधर ना जाना भाजी, शानू को चपाकी निकल आई है। सलाम चाची। वालेकुम। सुना है लाहौर वाले रात को ही चले गए, अब तो नहीं आएंगे ना चाची? वो आएगा, वो भी फिर आखिरी दफा ही आएगा, देख लेना। ए बड़ा अथरा, बड़ी मशहूरी है उसकी। आप उसे आने तो चाची जी, फिर उसके बाद की मशहूरी देखना। बस ये डर निकल जाए तो दिल को तसल्ली हो जाए मेरे। दुआ करो फिर कल परसों आ जाए। हो सकता है कल परसों ही आ जाए। फिर समझो परसों आपका डर निकल गया। चाची शानो कहाँ है? ना उधर ना जाना, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। हाल चाल भी ना पूछो, परसों पूछ लेना। मौलवी साहब। कौन? मैं हुमैरा, हुमैरा बतूल। आजा तीरानी, दरवाजा खुला। क्या बात है? कल लाहौर से उसके खाला खालू आए थे। तो? रातों रात चले गए, मैं उसका पता करने गई थी, खाला ने अंदर ही नहीं जाने दिया। मतलब? मतलब कि कोई गड़बड़ है, आज तक खाला ने मुझे अंदर जाने से नहीं रोका।
रोकते हुए उन्होंने कुछ कहा तो होगा, वो बताओ। कहने लगे कि शानू को छपाकी निकल आई है। हाँ तो निकल आई होगी छपाकी। मेरा दिल नहीं मानता मौलवी साहब, आप जाओ ना उसके घर, आपको तो कोई भी नहीं रोक सकता। बिन बुलाए मैं कैसे जा सकता हूँ? कहना कि हुमैरा ने बताया कि शानू को छपाकी निकल आई है, इसीलिए दम करने आया हूँ। हाँ। और इसमें कोई झूठ भी नहीं, तुमने बताया और मैं दम करने चला गया। तो आप जाओगे? जा रहा हूँ। मैंने तो आपको रोटी भी नहीं खाने दी। इस ना खाने का रोजे जितना सवाब मिलेगा मुझे, मेरे आने तक तू भी एक सिपारा पढ़ ले, उसका अलहदा सवाब मिलेगा तुझे। जी मौलवी साहब। शानोबाजी, हमारा आई थी, आई थी, मगर अम्मी ने उसे अंदर आने नहीं दिया। शुक्र है। मगर वो टलने वाली नहीं है, देखना आएगी फिर। दुआ करना है। चले खाना खा ले। रखते नीचे चल के खाना, अम्मी ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ सकता हूँ? जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है शानों के छपाकी निकल आई है। जी दवाई खा के सो गई है, आप बैठो। छपाकी का इलाज दवाई नहीं दम होता है। लाओ उसे, मैं दम करने आया हूँ। अभी तो सो गई है मौलवी साहब, वैसे फर्क पड़ गया उसको, कल परसों तक ठीक हो जाएगी। नहीं होगी, डॉक्टर की दवाई खाने से मरीज को ठीक होने में पूरे 10 दिन लगते हैं। कहाँ है वो? कमरे में है अपने। चल मुझे ले चल। मैं जरा झांकी मारा, बैठो आप 2 मिनट। आ जा झांकी मारा। बस कर खाना, चादर मुंह पे लेके सोई बन जाए। मौलवी साहब दम के लिए आए हैं, खबरदार जो मुंह से चादर उतार कर मुंह दिखाया तो। चलिए पलंग के नीचे रख। चल बाहर निकल और मौलवी साहब से कह अंदर आ जाए। मौलवी साहब आ जाइए। बैठो। एक गिलास पानी चाहिए। जाकर पानी लिया। नहीं, माँ के हाथ का पानी चाहिए। जी मौलवी साहब। चलती रानी मुंह से चादर हटा, शक्ल दिखा मुझे, ये मेरा हुक्म है। लाहौर वालों को इनकार कर दिया। जी
माँ बाप के बरखिलाफ कुछ किया था? जी। चल चादर डाल। वाह वाह वाह। जब ये उठे तीर आनी नहीं, माँ का हाथ नहीं लगेगा जलाद। इंशाल्लाह छपाकी जल्द खत्म हो जाएगी, बस मुंह और नाक पर दो चार निशान रह जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बेरहमी से मारा हो। लेकिन परेशान ना होना, वो निशान भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अब जब वो दर्श पर आएगी मेरे पास तो एक बार फिर दम कर दूंगा। अल्लाह के हवाले। रजिया दरवाजा बंद कर ले। सालन तो ठंडा हो गया होगा, गरम करके ला दे मुझे। मौलवी साहब सचमुच छपाकी निकल आई है उसे? तू तो बड़ी सहेली है उसकी, बैठ के समझा उसको। मंगनियां होकर टूट भी जाती हैं, माँ बाप से मुतक्का नहीं लगाया करते। बात मंगनी से आगे निकल गई है मौलवी साहब। क्या मतलब है? ऐसी बात आपके सामने नहीं कर सकती। मैं सिर्फ दम करने के लिए हूँ क्या? मैंने कुरान पढ़ाया है तुम सबको। बाप ना सही, बाप का रुतबा तो दो मुझे। प्यार कर बैठी है कमीनी उससे, सच्ची लगन लग गई उसे। सिपारा पढ़ लिया तूने? जी मौलवी साहब। तर्जुमे के साथ? जी। सालम गरम करके ला दे मुझे और घर जा, असर की नमाज पढ़, कल बातें करेंगे। जा। जी मौलवी साहब। खलील बादशाह। हाँ। क्या कर रहा? खत का इंतजार कर रहा हूं। रात को कहां आते हैं खत? रात को तो परियां पैगाम लाती हैं, बताती हैं कि जिनों के शहर में शहजादी का हाल अच्छा नहीं है।
कोई ख्वाब आया? नहीं, ख्याल आया है। उसकी अम्मी अब्बा ने बहुत मारा है उसे, मुंह सर पर चोटें लगी हैं उसको। ये नहीं हो सकता। खालू अमीन उसे बहुत प्यार करते हैं। इस बात का तो गुस्सा उसे, जेलसी आ गई उसके अंदर। वो मान नहीं रहा कि मैं उसकी बेटी को उससे ज्यादा प्यार कर सकता हूं। इलाम आते हैं तुम। तुम नहीं समझोगे डॉक्टर, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इल्हाम नहीं आते। और अगर ये सच हुआ ना डॉक्टर, तेरी कसम पलगन में बड़ा तमाशा होगा। देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। ये तुम्हारी मोहब्बत के नाम है खाली, सब सब चेहरे पे सजा लिए। अच्छी लग रही हूँ ना? अब 2 दिन का वक्फा दे दो मुझे। अब मारोगी तो नाक मुंह से खून निकल आए। दुआ करो मैं मर जाऊं। दुआ करती हूँ आपको मेरी भी उम्र लग जाए। तो फिर भूल जाओ उसे। यही तो कर रही हूँ अम्मी जी, 5 मिनट भूलती हूँ तो 10 मिनट याद आता है। तुम मेरा मुंह काला करोगी? कभी नहीं मुझे। मैं तो आपकी नफरत के सबके आपकी मार खाऊंगी, और अगर चोट लग जाए तो कहूंगी छपाके निकले। उससे शादी नहीं हो सकती तेरी। मैंने कब कहा है अम्मी जी, मोहब्बतों में शादियां कब होती हैं? पर लोग ब्याह जाते हैं। मेरा कलेजा साड़ के स्वा कर दिया तूने शानो। आप भी ऐवे ही अम्मी जी, उस बात पर गुस्सा कर लेती हैं जो बात मेरे बस में नहीं है। चल, इस पे तो तेरा बस है ना कि वो अगली दफा यहाँ पे आए तो मेरे खातिर तो उससे कह दे कि जा अभी का, अब ना आना। एक दिन मुझे बिठाकर पूछ ले कि क्या क्या है मेरे बस में, तफसील से बता दूंगी। तो बता जरा क्या क्या है तेरे बस में।
आप कहो शानू, भूखी मर जाऊं, मैं मर जाऊंगी। आप कहो शानू, जहर पी मैं पी जाऊंगी। आप कहो शानू, बाहर सर्दी में खड़ी हूं, आंख छपकना सांस लो, मैं आंख छपकूंगी ना सांस लो। आप कहो, बकवास ना कर, असल बात कर। असल बात यह है अम्मी जी कि नमाज पढ़कर दुआ करती हूं कि अभी दरवाजा खटके और वो अभी आ जाए। शक्ल देखूंगी ना बात करूंगी, पर ये नहीं कहूंगी कि यहां ना आया कर बीबा। देखा, मैंने कहा था ना, अब मारोगी तो खून निकलेगा। हाय अल्लाह, वो नहीं टलने वाली। 2 महीने रह गए उसके इम्तिहान को, इम्तिहान दे तो शादी कर दो उसकी। इतनी जल्दी? देर करोगे तो सर पीटोगे फिर अपना। अरे ना कर शीदा, वो ऐसी लड़की नहीं है, बड़ी शर्मो हया वाली बीबी और इज्जत का पास करने वाली है। इश्क हो गया उसको खलील से, मर जाएगी उसके बगैर। मैं सुबह ही फयाज से बात करता हूँ। फयाज से नहीं, पाजी इब्राहिम से कहो, कह दो कि इम्तिहानों के बाद कोई तारीख रखें और ले जाएं अपनी अमानत को अपने घर। फयाज का टेरर एक दफा उस पे पड़ जाए ना तो बलगन में कदम नहीं रखेगा। अल्लाह जाने। अल्लाह पे भरोसा कर, उसने पिस्तौल शिस्तौल दिखाई ना और 1-2 हवाई फायर किए तो मुंह निकल जाएगा उसका। मैं तो कहती हूँ डर के चला जाए, चाहे मुंह ही निकल जाए उसका। बाजी अब्दुल रहमान को भी तसल्ली हो जाएगी, बड़े ताल्लुकात है ना उसके, और जब गोली चलती है ना तो साथ में कोई नहीं खड़ा होता। अगर कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ गया तो भांडे बिकवा दूंगा मैं उसके। उतर आइए। जी पता है अम्मी क्यों मारती हैं आपको? बता, क्या पता है तुझे? एक दिन मामी शादा से कह रही थी कि 5 रोज रह गए थे उनकी और अब्दुल रहमान की शादी में, क्या आपा ने बीच में कमची मारी और अब्दुल रहमान से शादी कर ली? ये तो पता है मुझे, लेकिन अगली बात आपको नहीं पता। फिर उसके कहने लगी कि वो आपा इनायत का वक्त था और आज मेरा वक्त है। कहने लगी कि मुझे इंतजार है कि खलील कब शानों को देखे और मर मिटे उस पर। अम्मी की स्कीम फेल हो गई रजिया, मर तो मैं गई हूं उस पर। वो पता नहीं इनकार सुनकर किसी दूसरी को ढूंढ ले, पर मेरा तो बस एक खुदा रह गया और एक रह गया खली।
अम्मी ने फिर मारा है। अम्मी कहाँ मारती है जली, मैं मार खाती हूँ उनसे। चल ला दे। तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? ज्यादा दर्द हो रहा है। हेड शाहबाग क्रिकेट ग्राउंड में दोनों कप्तानों के दरमियान टॉस हो रहा है और ये हम बैटिंग करेंगे। कप्तानों ने हाथ मिलाया, टॉस हो गया और यकीनन ये टॉस बैटिंग बैटिंग और उन्होंने बैटिंग। चल बात सर बैट कर। नहीं आज मैं ओपनर नहीं जाऊंगा। दिमाग खराब है यार, मैं टॉस जीत कर बारी लेकर आया, विकेट अभी गिरी है, कौन संभालेगा? पप्पू चुड़ी से कहना आज वन डाउन आ जाए, आज मैं टू डाउन जाऊंगा। टू डाउन तक स्पिनर लग जाएंगे और स्पिनर तुझसे खेले नहीं जाते। इंसल्ट ना कर कप्तान, स्पिनरों को मार मार के दुबा बना दूंगा। जो कि दोनों टीमों के दरमियान बर्तरी का फैसला कर देगा। चल पप्पू चुड़ी हैरत अंगेज तौर पर ओपन कर। इस मैच में खलील असद रूप खेलता उनकी तरफ से, पप्पू चुड़ी को ओपन करने के लिए भेजा गया है। सलाम खाला। वालेकुम। आजम सो रही है। फिर से सो रही है? बताया तो था चपाकी निकली हुई उसे। मौलवी साहब ने बताया मुझे चपाकी खत्म हो गई, बस चेहरे पर चोटों के निशान बाकी रह गए। अब तो आजम फर्स्ट क्लास खेलता है कप्तान, एम ही नहीं खेलता। दो खिलाड़ी आउट और खलील जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। कहां से ये जिम्मेदारी है पूरे 100 ओवर के अंदर खलील, तुझे उसकी कसम। कैसे निभाते खलील पप्पू चुड़ी के साथ बैटिंग करें, गार्ड लिया बाद से असद रहू और खलील दोनों आमने सामने। एक मरतबा फिर असद रहू आए पहली गेंद करने के लिए, खलील को गेंद की शॉट पिच पर खलील के चेहरे पर लगी, खलील नीचे गिर गए हैं और इस वक्त ये पप्पू चुड़ी ने हाथ बड़ा को उठा रहे हैं, लेकिन खलील इस वक्त दोबारा खेलेंगे तैयार। एक बार फिर असद रहू आए गेंद की और ये फोर्थ शॉट छक्का खलील ने। हाथ छोड़ मेरा, वरना तेरी भी छपाकी निकल आएगी। सच बता तेरी अम्मी सगी अम्मी है ना? बीजी से पूछूंगी किसी दिन, पर मुझे ये तो पता है मैं उनकी सगी बेटी। 16 आने खड़ी कल परसों आएगा तो तेरी शक्ल देखकर पूछेगा नहीं? नहीं, उसको तो मुझसे ज्यादा मार पड़नी है। उसे खबर तो मिल गई होगी। कोर्स लेकिन वो खबर सुनकर नहीं आएगा तो खत पढ़कर आएगा। 93 रन पर खलील खेल रहे हैं, फिर आए गेंद की, खलील ने खूबसूरत शॉट खेला और ये छक्का और इस छक्के के साथ ही खलील कद को 99 रन पर पहुंच गया है। खलील तैयार है अगली गेंद खेलने के लिए, अभी एक बार फिर खलील को सिर्फ एक रन दरकार है। पतंजलि मुकुल के लिए खलील ने शॉट खेला, एक रन मुकुल कर दिया, सेंचुरी मुकुल हो गई है। खलील भागते हुए खत आ गया। आ गया
निकालो। 10 रुपए दे पहले। 10 ही 5 का वादा हुआ था। पूरे 10 रुपए देखो ने संभाल के रखे हैं यार। जो मर्जी करो पूरे 10 रुपए दो। चलो उधार ले लो, 5 परसों दे दूंगा। तो फिर खत भी परसों ले लेना। अबे, अबे क्या कर रहा? खत दे वरना जान से मार डालूंगा। देता हूँ, मुझे छोड़ दो। कहाँ गया खत? ये ले 5 रुपए, बाकी परसों दे दूंगा। यहां से दे देना। आजकल में खत मिल जाएगा उसे। मिल गया। खत पढ़ने के कितने दिन बाद आएगा? उसी दिन आ जाएगा। देख लीजिए तब्बा किस लिए बोल रहा है। फिटे मुँह तेरा। खाला किस पे गुस्सा कर रही है? कब्बे पर। आपको सलाम, आपका शुक्रिया। आप चोरी छुपे मिलने आए और जाते हुए इतना खूबसूरत खत दे गए। लगता है अब मैं इस खत को संभालते संभालते मर जाऊंगी। वैसे आप भी कमाल करते हो, ना किसी की परवाह करते हो, ना किसी का ख्याल करते हो। गुस्सा और गुरूर नाक पर रहता है। गुस्सा मंजूर है मुझे, लेकिन गुरूर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरूर खुदा को अच्छा नहीं लगता। सच बताऊं तो जिस तरह के वहम आपके दिल में है ना, उस तरह के हजारों वहम मैंने भी पाल रखे हैं। लेकिन मेरी सहेली उमेरा कहती है, मोहब्बत अगर वहम करती तो मर ना जाती। खत में बस एक बात ऐसी थी जिसे पढ़कर मुझे लगा आपने मेरा दिल दुखा दिया। आपने लिखा, अब तो ये सोचता हूँ कि मैं शानू का खलील हूँ या नहीं। ये पूछने से बेहतर था आप मेरे मुंह पर थप्पड़ मार। पता है जहाँ मेरे दिल में हजारों वहम रहते हैं वहीं मेरे खलील भी रहता है, नकचरा गुस्से वाला, और वो सारे वहम उसके गुस्से से डरते हैं। इसलिए मैं कभी उनसे नहीं डरती। अम्मी अब्बा जी को बड़ा गुस्सा है कि आप उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ आए हैं, पर मुझे उस बात की उतनी ही खुशी है। आप आए तो सही, मेरी मोहब्बत में इतना असर तो हुआ कि एक दिन आप आ ही गए। खुदा आपको दुश्मनों से महफूज रखे। आपकी शान। जज्बों की सदाकत का भरम टूट ना जाए, मैं तुझसे बहुत दूर हूं, मिलने की दुआ कर। कितनी दफा पढ़ ली? 100 दफा। सारे कमरे से खत की खुशबू आ रही है। सेंट लगा हुआ। सेंट नहीं है बेवकूफा, अकीदत है उसकी। तेरी जेब में पैसे कितने होंगे? 60-70। 50 मुझे दे दे। क्या करेगा?
बस दे देना यार, फिर बताता हूँ। बेलगन जा रहा हूं इस वक्त, 2 बज रहे हैं, पहुंचते पहुंचते तुझे शाम हो जाएगी। हो जाए शाम? ये कोई मजाक नहीं है कलीम, फयाज वहां लिफंटरों के साथ फिरता है, इस बार तेरा रास्ता जरूर रोकेगा। रोकने दे डॉक्टर, उसे अपना काम करने दे, मुझे अपना काम करना। चल मैं तेरे साथ चलता हूं। तू दोस्त है ना डॉक्टर, तो दुआ करके फयाज के हाथों में मर जाऊं, लेकिन उसके मुंह से ये ना सुनो कि खलील बड़ा बुजदिल निकला है कमीना। हम सदके तुम्हारे